नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में स्वाति। रीवा पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में विकास खंड त्योथर, जवा तथा सिरमौर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है। अंतिम चरण में कुल 5,37,898 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस चरण में जिला पंचायत के 8 वार्डों, जनपद पंचायत के 73 वार्डों के सदस्य पदों तथा 280 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। मतदान के लिए तीनों विकास खंडों में 906 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। चुनाव परिणामों की घोषणा 14 जुलाई को विकास खंड स्तर पर सारणीकरण के बाद की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के परिणामों की घोषणा 15 जुलाई को जिला स्तर पर होगी। विकास खंड त्योथर में 97 ग्राम पंचायतों, जवा में 80 ग्राम पंचायतों तथा सिरमौर में 103 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके लिए विकास खंड त्योथर में 292, जवा में 266 तथा सिरमौर में 348 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। त्योथर विकास खंड में 90,303 पुरुष मतदाता, 82,261 महिला मतदाता एवं 9 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार उपयोग करेंगे। जवा विकास खंड में 80,594 पुरुष, 71,100 महिलाएं व एक अन्य मतदाता है। इसी प्रकार सिरमौर विकास खंड में 103,054 महिला व 5 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल को सहयोग देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का दल तैनात किया गया है। निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित करने के लिए तीनों विकास खंडों में कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।